हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा आमला क्रेडिट ऐप का। ये किस तरीका का ऐप है, लोगों के साथ क्या कर रहा है, ये हमें लोन देगा कि नहीं देगा, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आमला क्रेडिट एक तरह का इंस्टेंट लोन ऐप है, जिसका ये दावा, ये कहना है कि आपको 5,000 से लेकर 1,00,000 तक का लोन दे देगा। टाइम के बारे में बताता है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है। लोन लेने का वही प्रोसेस है जो सारे लोन ऐप्स का होता है, कि इस ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें, अपनी डिटेल्स फिलअप करें और अप्लाई करें, तो आपका लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक आईडी दे रखी है कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ से लोन लें, या वो लोग जिन्होंने यहाँ से लोन लिया तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनको लोन मिला कि नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि उनको तो लोन मिला, लेकिन जिस तरीका से लोन मिला वो मैं नहीं चाहता कि किसी को मिले और कोई यहाँ से लोन ले। क्या हुआ उन लोगों के साथ और आपके साथ हो सकता है अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं। तो ये लोग, जैसा ही आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, जैसा ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वहीं से आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। क्या होता है कि आपका डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट इन लोग के पास पहुँची जाती है, और उसके बाद क्या होता है, आपने चाहे इस लोन के लिए अप्लाई किया हो चाहे नहीं किया हो, ये जबरदस्ती बिना बताए कितना अमाउंट डालना है, क्या डालना है, कितना टाइम है, कितना रेट है, कितनी प्रोसेसिंग फीस है, आपके अकाउंट में जबरदस्ती का पैसा डाल दिया जाता है। और फिर एक मैसेज आता है कि आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है और आप उसको 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर रिपे कर दें। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने तो कुछ अप्लाई नहीं किया तो लोन कैसे आ गया। तो ये चीज कितनी गलत है आप समझ सकते हैं, कि आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया और लोन आपका अप्रूव भी हो गया, आपके अकाउंट में आ गया। और लोन देते कैसे हैं, ये बताते हैं कि 3,000 का अप्रूव्ड हो गया, लेकिन आपके अकाउंट में कितना आएगा, 1,600 रुपए। और ये बताएंगे कि 6,000 का अप्रूव्ड हो गया तो आपके अकाउंट में आएगा कितना, 3,000 रुपए। यानी आधा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, पूरा अमाउंट आपसे मांगा जाएगा। यानी 1,600 आया तो आपसे मांगेंगे 3,000 रुपए, और 3,000 आया तो आपसे मांगेंगे 6,000 रुपए। तो इस तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करी जाती है, यानी आपको एकदम बेवकूफ समझ रखा है। हाई इंटरेस्ट लगाकर डबल अमाउंट आपसे मांगा जाता है। और कुछ लोग का तो ऐसा कहना है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये क्या कहना चाहते थे, या कुछ इन लोगों ने गलत तरीके से बताया है। उन लोगों ने कहा कि हमने इस ऐप को इंस्टॉल भी नहीं किया, फिर भी हमारे पास मैसेज आया और मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। अगर ऐसा हो रहा होता तो हमारे पास भी आता और लोगों के पास भी आता। ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है कि कहीं से आपने उनको डेटा दे दिया हो, या आपका डेटा उनके पास चला गया हो, या आपने किसी फेक लोन ऐप पर पहले से रजिस्टर किया हो और वही लोग ये सब चला रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, तब जाकर आपके पास मैसेज आता है। वरना तो यार सबके पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि आपने लोन लिया और आप लोन रिपे करें, ऐसा नहीं है। तो कुछ तो गलती है जिस वजह से इस तरीके से लोग लिख रहे हैं, तो ये हो सकता है। अब बहुत से लोग आनाकानी करेंगे कि भाई हम नहीं दे सकते और हमने तो कहा नहीं था, आपने कैसे दे दिया ये लोन। तो क्या होता है, अब आपका डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट इन लोगों के पास पहुंच जाती है। अब यहीं पे ये लोग ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। आपके पास तो ये लोग गाली गलौज का मैसेजेस भेजेंगे, गलत सलत मैसेजेस भेजेंगे और न्यूड पिक्स भेजेंगे, और आपके कॉन्टैक्ट्स के पास भी भेजेंगे, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट तो इन लोगों के पास पहुंच गई है। अब उनके पास ये सब चीज़ भेजेंगे तो वो लोग घबरा जाएंगे कि ये क्या चीज़ चल रहा है, तुमने ऐसा क्या चीज़ कर दिया कि हमारे पास इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो वो लोग आपके ऊपर दबाव बनाएंगे कि ये क्या चीज़ हो रहा है, तो आप घबरा जाएंगे कि मेरी बदनामी हो रही है, यार ये किस तरीके का मैसेज भेज रहे हैं, बेहतर यही है कि हम यहाँ रिपे कर दें। और जहाँ आपने रिपे किया, लोन क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये लोन देने वाला ऐप ही नहीं है, ये सही ऐप ही नहीं, तो सही काम कैसे करेगा आपके साथ। तो आप डर के मारे, बेइज्जती के डर के मारे, और आप की ये कंडीशन हो जाएगी कि आप एकदम घबरा जाएंगे, तो आप सोचेंगे चलो रिपे कर देते हैं, मामला खत्म हो जाए। लेकिन मामला खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इनको खत्म करना ही नहीं है, ये तो फर्जी लोग हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपने रिपे किया तो ये लोग जबरदस्ती बिना बताए फिर आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे, और आप फिर घबरा जाएंगे, अरे यार फिर से पैसा आ गया, अब मैं क्या करूं, फिर आप रिपे करेंगे। तो ये आपके अकाउंट में पैसा डालते रहेंगे जब तक आप रिपे करेंगे। तो आपको कोई रिपेमेंट नहीं करना, इनकी यही सजा है कि कोई रिपेमेंट नहीं करना, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और ना ही ये सही काम कर रहे हैं। तो आपको डरना ही नहीं है, जैसा ही पैसा आए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप एक वार्निंग मैसेज आप अपने कॉन्टैक्ट में भेज दीजिए, उनको यकीन दिला दीजिए मेरा जो वीडियो, उसको शेयर करके और भी चीज़ें लिख करके, ये आपका डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर चुके हैं और ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि मैं पैसा निकाल दूं। तो आप लोग इनकी ना सुने, इनको ब्लॉक करें और इनको इग्नोर करें, और इनको बेहतर से बेहतर जवाब दें ताकि इनका मुंह बंद हो जाए और दोबारा ये आपको कॉल ना करें। एक बार आपने अपने कॉन्टैक्ट को कन्विंस कर लिया, फिर ये आपको चाहे कॉल और मैसेज करें, जो करना है आप करिए, जो बोलना है आपको बोलिए, आप कोई भी धमकी देनी है आप दीजिए,
इनका मुंह बंद कराइए और यही इनकी सजा है। और साइबर पोर्टल पे कंप्लेन करें, आरबीआई को कंप्लेन करें, इनको पूरी तरीके से आप लोग ब्लॉक करें, बंद कराएं, रिपोर्ट करें गूगल प्ले स्टोर पे, इनके जितने भी ऐप खत्म हो सके तभी ये सब चीज खत्म होगा, वरना ये सब इसी तरीके से चलता रहेगा। कोई ना कोई ईमानदार आदमी, बेगुना आदमी फंस जाएगा और परेशान हो जाएगा, यहां तक उनकी जान भी जा सकती है, और इस तरह से हुआ है इस तरह के ऐप्स में। तो ये ऐप सही नहीं है लोन लेने के लिए, इस ऐप को डाउनलोड भी ना करने, वरना आपकी परेशानी उसी दिन से शुरू हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी इंसान के साथ ऐसा ना हो, किसी का भी डेटा ना जाए, किसी का भी पैसा ना जाए, कोई भी हैरेसमेंट ना झेले। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।